Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss lecture number 42 of the Database Management System course, and as you know, the course code is CS403. In our previous lecture, we finished our discussion on views, and after that, we started the topic of transaction management, and we discussed that the two major components. Of the transaction management are the database recovery and the concurrency control. The basic notion on which these two areas or topics work is the transaction, that is, the transaction is the basis on which the database recovery and the concurrency control mechanism work. Basically, these two activities are handled by two subsystems of the dbms because we know that dbms is a collection of different programs there will be thousands of programs but they are di divided into different modules every module performs its own activity so the database recovery or the crash recovery and the concurrency control they are handled basically by two different subsystems or modules of the DBMS we defined in our previous lecture that a transaction is a logical unit of work when we say logical it means we cannot associate certain boundaries okay, okay this would be the transaction no it depends upon the environment the system so we define the transaction rather uh, more precisely i can say we take the transaction in the transaction management activity as a logical unit of work that is performed on the database but the thing is it is generally based on the activities of the real world so we can say what is considered as an activity as a calm activity a kcb environment can that और जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल दी थी कि आप हर एनवायरमेंट में एक एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी जो उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि हमारे बैंकिंग सिस्टम है तो अकाउंट ओपन करना इज एन एक्टिविटी दैट इज परफॉर्मड इन ऑल द बैंक्स अब वो जो इसमें प्रिसाइजली ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं उनमें थोड़ा बहुत फर्क तो हो सकता है मे बी एक बैंक जो है वो दो गारंटर्स की श्योरिटी मांगता है एक बैंक जो है वो एक गारंटर की मांगता है और एक शायद किसी भी की भी नहीं मांगता एक बैंक जो है वो आपसे कहता है कि मिनिमम हमारा जो बैल जो आपको चाहिए अमाउंट चाहिए अकाउंट में वो कहते हैं पाँच सौ को कहता है हज़ार को कहता है कुछ भी बेशक ना हो और देर में भी माइनर डिफ्रेंसिस बट द थिंग इज़ विद इन एनवायरमेंट हमारे पास हम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे जिसको एक एक एज एज एन अ होल एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है व्हेन वी आर मॉडलिंग दैट सिस्टम इन आवर डेटाबेस तो इसका मतलब है कि हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली जो आपके डाटा बेस की ट्रांजेक्शन है वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है बट अगेन दैट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल इसलिए कि इट इज़ द चॉइस ऑफ द डिज़ाइनर इट इज़ योर चॉइस कि आप उसको जो भी वहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है वेदर यू वॉन्ट टू परफॉर्म इट एज ए सिंगल डाटा बिज ट्रांजेक्शन क्या आपका ठीक है वो जो एक्टिविटी थी उसको मैं एक ट्रांजेक्शन कंसिडर करता हूँ एज अ होल और उस पर ठीक है जितने भी ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं यू परफॉर्म दोज ऑपरेशन एक तो पॉसिबिलिटी ये है बट देर कुड भी अनदर पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ के एक ऑपरेशन को मल्टीपल ट्रांजेक्शन के थ्रू कर लें क्योंकि एक जन बात रखें कि ट्रांजेक्शन जो है स्पेशली विद द परस्पेक्टिव ऑफ दिस ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन इज दैट लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट रिफ्लेक्ट्स ए सिंगल एक्टिविटी एंड दैट इज़ परफॉर्म ऑन द डाटा लेकिन ज़ाहिर है कि जब हम ये कहते हैं कि ट्रांजेक्शन तो वो एक्टिविटी जो हम डाटा बेस परफॉर्म करते हैं तो आपके जहन में सवाल आ सकता है कि वो हम कैसे उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं हम कैसे कहते हैं कि ये ट्रांजेक्शन है तो उसकी उस बात का जवाब ये है कि ठीक है वो ऑपरेशन तो, वो एक्टिविटी तो परफॉर्म हो रही है डाटा के ऊपर वो आती कहाँ से है दैट इज नॉर्मली टेकन दैट इज जर्नली टेकन फ्राम द इन्वायरमेंट फ्राम द सिस्टम दैट यू डेवलपिंग तो इस तरह से मतलब यह है कि वो आ, आती तो वो या आप लेते तो उसको उस सिस्टम से हैं लेकिन जब वो आप उसको डाटा बेस में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो अब आपका जो फोकस है वो है ट्रांजेक्शन का इन द दे डाटा बेस इन वो ऑपरेशन जो कि तमाम मिल के तमाम मिल के एक एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करे कि यह एक काम हो गया है तो आप उसे कहते हैं ये एक ट्रांजेक्शन है इसकी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे और आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर होगा लेकिन याद रखिएगा कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ट्रांजेक्शन का ही है इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी इसमें इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं वन ट्रांजेक्शन इन आवर एग्ज़ाम सिस्टम में बी कंप्यूटिंग जी पी एफ द स्टूडेंट्स और उसमें ज़रा के ऑपरेशन इन्वॉल्व मुख्तु हो सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप जी पी ए कम्प्यूट करने की बात करते हैं तो जी पी एज़ द ग्रेड पॉइंट एवरेज और ज़ाहिर है कि ये आपकी हर सेमेस्टर में कंप्यूट होती है उसमें क्या होता है कि आप आप जो मार्क्स सिक्योर करते हैं उनके बेसिस पे आपको हर सब्जेक्ट में एक ग्रेड पॉइंट एलोकेट होता है तो जब आपने ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करनी है तो आप ये करेंगे कि एक स्टूडेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स में जो भी ग्रेड पॉइंट्स हैं उन सबको आप सम करेंगे उसके बाद जितने उनके क्रेडिट्स थे उन कोर्सेज के उसे डिवाइड करेंगे दैट वुड बी योर grade point average so this is how you define the grade point average computation in your real world system but when you when you define it when you perform it in the database ye ke ke hai, a gpa involves up gpa computation involves ke first you get the uh, uh, id of the student whose GPA you want to calculate then you come to the enroll table hai, and from there you access the grade points of this student in different courses. you sum them in uh, one variable, fine. Then you find the sum of the credits of uh, all the courses in which this student was enrolled. And the credit of the courses, you will get it from the course table. Then you refer the course table and then you read the, uh, credits of individual courses that the students was enrolled in. J when you get the sum of the credits, then GPA calculation involves K you divide the uh, sum of uh, grade points with the sum of credits, th and then you write somewhere the GPA of the student. So, these are the operations that are involved in the calculation of the GPA. So, is the transaction ki example or steps kiye on the database? टू पर डाटा बेस के अलावा यह है कि इवन जब हमने सम किया है दैट थिंग इज बिंग परफॉर्म इन द मेमरी इज बिंग डन बाय द प्रोसेसर तो वो एक्टिविटीज वो ऑपरेशन भी शामिल हैं बेसिकली इन द ट्रांजेक्शन तो इस दिस इज एन एग्जाम्पल के दिस इज अ ट्रांजेक्शन एंड दीज आर द ऑपरेशन दैट आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन यस वी कैन हैव इवन सम मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की भी एग्जाम्पल हो सकती हैं जिसको हम आगे भी देखेंगे और आपको ऐसा समझ आएगा ये बात consistent state of database dear students this is a very important and basic topic regarding the transaction management rather i will say this is a very important topic of the databases you must have a clear understanding what do we mean by a consistent database see database kijo definitions different discuss वन ऑफ देम वाज के डेटाबेस मॉडल्स ए रियल वर्ल्ड सिस्टम इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डाटा ये है एक डेफिनेशन है देखिए ये बात शायद मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो रूल्स जो कॉन्सटेंट्स चेक्स आपके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं डेटाबेस अगर मॉडल कर रहा है उस सिस्टम को तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम तभी कहेंगे कि अगर वो उन तमाम रूल्स को तमाम कॉन्स्ट्स को फॉलो कर रहा है, तो एक तो बात ये हो गई दूसरी बात ये है कि हमने ये कहा कि जब हमने डाटा बेस के बेसिक फीचर्स पढ़े थे उसमें हमने एक बात ये कही थी कि डाटा बेस का एक एडवांटेज ये भी है कि ये जो रेडेंसी रेंद, रेंद, है उसको कंट्रोल करता है उसको कम करता है देखिए ये रेडेंसी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करता डुप्लीकेशन को खत्म नहीं करता बल्कि देर इज डुप्लीकेशन इन द डाटा बेस बट दैट इज कंट्रोल्ड और इसकी एग्जाम्पल आपके सामने खास तौर पे अगर आप देखें इसको कि जो हमने तो प्राइमरी फॉरन की की जो एग्जाम्पल है ठीक है उसमें एक ऐसी सिचुएशन है कि सेम डाटा इज बींग स्टोर्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस प्राइमरी की के में जो स्टेबल में भी है और साथ ही वो उसमें फॉरन की की शक्ल में भी है आप सेम डाटा डुप्लीकेट कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं और इसी तरह फर्ज कर जैसे हम हमने जब बात की थी डी नोमलाइजेशन की वहां भी हमने कहा था कि हम बास डाटा को डुप्लीकेट करेंगे तो वहां पर भी हम यानी कि जो डुप्लीकेशन कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं दैट इज नॉट समथिंग दैट इज़ अनकंट्रोलेबल दैट इज समथिंग दैट वी आर डूइंग डिलिबरेटली अपनी रीजन्स के बेस पर या वी को नॉट अवॉइड दैट मिसाल के तौर तो पर प्राइमरी फॉरन की केस के के में वी कैन नॉट अवॉइड दैट तो इसका मतलब ये हुआ कि

वही फैक्ट उसको सपोर्ट करता हुआ फैक्ट जो है वो दूसरी जगह लिखा होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है देन योर डाटा बेस इज नॉट कंसिस्टेंट तो इस लिहाज से अब आज से आप हमेशा अपने जहन में डाटा uh, बेस के बारे में एक जो खास फीचर अपने जहन में रखिएगा कि वट डू वी मीन बाय द कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ डाटा बेस पहली बात तो स्टेट क्या है स्टेट मीन्स द स्टेट ऑफ द डाटा द वैल्यूज द डाटा इन द database, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डाटा मौजूद है डाटा में डेट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ए स्टेट ऑफ द डाटा बेस ठीक ना मिसाल के तौर पर आपने फर्ज करे के एक टेबल है आपके पास डाटा बेस है उसमें फर्ज करे के पंद्रह टेबल्स हैं अब एक टेबल में किसी एक टाइम पे डट से शुरू में तो उसमें कोई भी डाटा नहीं है आप डाटा बेस डिफाइन कर लिए दर इज नो डाटा इन द डाटा बेस क्योंकि किसी भी टेबल में डाटा नहीं है स्टार्टेड एंट्री द डाटा इन द टेबल्स फर्ज करें किसी एक मोमेंट पे पंद्रह हमारे पास स्कूल टेबल्स थे उनमें से फर्ज करें कि सात के अंदर फर्ज करें कि पांच सौ रिकॉर्ड है और में से बाकी अडफर्ज के तीन तीन सौ किसी में दो सौ किसी में चार सौ ये रिकॉर्ड है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वट एवर डाटा इज इन द डाटा बेस दैट रिफ्लैक्ट्स ए स्टेट ऑफ द डाटा बेस ठीक है यानी उसकी

कंसिस्टेंट सेट की से वही दो बातें मुराद हैं कि जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बात तो ये है कि इट शुड बी करेक्ट डाटा करेक्ट से क्या मुराद है कि जो भी बिजनेस के रूल्स हैं और देखिए इसमें एक और चीज़ भी आपको यहां याद रखनी चाहिए कि कॉन्सट्रेंट्स या रूल्स जो हैं वो उसकी आप दो मेजर फॉर्म्स कह सकते हैं एक तो कॉन्स्टेंट्स या रूल्स वो हैं दैट आर इंप्लीमेंटेड थ्रू द डी बी एम एस या आप ये कह लें कि दैट आर दार्ट ऑफ द डाटा मॉडल इफ यू टॉक अबाउट द रिलेशनल डाटा मॉडल टू माइंड इट जो आपका एंटिटी इंटेग्रिटी कॉन्सटेंट है और जो आपका रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्सटेंट है दीज टू कॉन्सटेंट्स दे कम फ्राम द डाटा मॉडल वेन दे कम फ्राम द डाटा मॉडल देन डेफिनेटली दे आर द पार्ट ऑफ एवरी डी बी एम एस दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डाटा मॉडल वो हर डी बी एम एस उसको लाजमी तौर तो पर सपोर्ट करेगा अदरवाइज दैट डी बी एम एस कैन नॉट बी कॉल्ड ए रिलेशनल डी बी एम एस पहली बात तो ये हो गई इसके अलावा आप जैसे इवन जब आप डेटा टाइप डिटर्मिन करते हैं जब आप उस पर कोई रेंज का चेक लगाते हैं दीज आर द चेक्स दीज आर दस्ट्रेंट्स दैट आर कंट्रोल्ड दैट आर इम्प्लीमेंट थ्रू द डी बी एम एस जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है उसके अंदर से आप इसको प्रीमेंट करते हैं और खास तौर पे देखिए तौर पे मैं जिक्र करूंगा जो आपके जो आपके इंटेग्रिटी का स्टेटजिनके दो का मैंने अभी जिक्र किया है दे आर राइट फ्रॉम द डाटा मॉडल ये बात आप इस चीज़ को रियलाइज करें तो ये तो आपके डेफिनेटली आपका हर डी सपोर्ट करेगा जो रिलेशनल है और वो उसके थ्रू इम्प्लीमेंट हो अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टन रूल्स दैट कम फ्रॉम द सिस्टम द एनवायरमेंट फॉर विच यू आर क्रिएटिंग द डाटा बेस और जाहिर है कि वो वेरी करेंगे मिसाल के तौर तो पर अगर आप देखें कि अगर आप बात करते हैं आप बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं उनके अपने रूल्स हैं आप अपने एग्जाम सिस्टम की बात करते हैं उनके अपने रूल्स हैं आप टिकटिंग सिस्टम की बात करते हैं उनके अपने रूल्स है। हैं आप बिलिंग सिस्टम की बात करें जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं उनकी उनके जो अगर बिलिंग सिस्टम है उनकी बात करें उनके अपने रूल्स हैं इसी तरह फर्ज करें अगर आप किसी पेट्रोल पम्प पर पे जाते हैं वहाँ के अपने रूल्स हैं तो इसका मतलब है कि जब रूल्स की बात करते हैं कॉन्स्ट्रेट्स की बात करते हैं तो हम दो उनकी क्लियरली ब्रॉड कैटेगरीज कर सकते हैं एक हम कहते हैं जो कि आपके देट आर दैट आर इनहेरेंट दैट आर बिल्ट इनटू योर डीबीएमएस, क्यों बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द डेटा मॉडल तो वो आप एक वो कैटेगरी होगी जिसको हम कहेंगे कि कि दैट दैट आर आर बेसिकली डीबीएमएस ओरिएंटेड या कहें डेटा मॉडल ओरिएंटेड जब बेसिक कॉन्सटेशन को आप कह लें और कुछ दूसरी कैटेगरी वो है दैट आर बिजनेस ओरिएंटेड तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आपका कंसिस्टेंट डेटाबेस होगा वो इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को फॉलो कर रहा होगा तभी एक तो वो करेक्ट स्टेट में होगा करेक्ट स्टेट में कब होगा कि जब वो तमाम बिजनेस रूल को फॉलो कर रहा है और देखें एक और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो शायद ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इवन जो आपके इंटेग्रेटी कॉन्स्टेंट्स जो दो बेसिक कॉन्स्टेंट्स हैं आते वो भी बेसिकली बिजनेस से ही हैं बट दे आर सो बेसिक दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर

चाहे वह इंटैग्रिटी कंस्टेंट है चाहे वो अदर बिजनेस रूल्स हैं तो कंसिस्टेंट डाटा बेस से हमारा यह हुआ कि पहली बात तो यह कि डाटा बेस शुड बी करेक्ट और दूसरी बात यह है कि अगर उसमें डुप्लीकेशन है डाटा की जो कि हमारी डुप्लीकेट डुप्लीकेशन है तो जो डुप्लीकेटिंग डाटा है जो डुप्लीकेटिंग फैक्ट्स हैं दे मस्ट नॉट कंट्राडिक्ट ईच अदर मस्ट सपोर्ट इच अदर अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो गई या वो करेक्ट ना हुआ या वो कंट्राडिक्टिंग फैक्ट्स हुए डुप्लीकेटिंग फैक्ट्स, तो आप कहेंगे कि आपका डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में है और माइंड इड दिस इज ए क्राइम मतलब अगर आपका डेटाबेस uh, इन स्टेट में आ गया उससे ऐसे, ऐसे ऐसे एरर ऐसे ऐसे ब्लंडर हो सकते हैं कि जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मतलब किसी भी सिस्टम की जो एक बिजनेस है उसको ये अपसाइड डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं कि जो डिटेक्ट इतनी आसानी से नहीं होती अगर अंदर एरर हो रहे हैं तो इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकते हो सकता है कि जिस वक्त वो डिटेक्ट हो उस वक्त तक वो बहुत डैमेज कर चुके हों क्योंकि देखिए ये ऐसे एरर नॉर्मली नहीं होते कि जो कि जिससे कि आपका जो डाटा बेसिकेशन ब्रेक हो जाएगी ये काम करते रहते हैं लेकिन ये है कि वो जो आप रिजल्ट आपको मिल रहा है जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वहां से दैट इज रॉन्ग दैट इज मिसिंग और आप अगर डाटा के अपने इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीशन कर रहे हैं तो जिस पर आपको जिस बेसिस पर आप डिसीशन कर रहे हैं वो अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो जहरा कि आपका जो डिसीशन है वो ठीक नहीं होंगे तो प्राइम कंसर्न ऑफ द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इज के आपके डाटा बेस की जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखा जाए और इस पर याद रखेगा कि इसमें एक बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलपर की प्रोग्रामर की भी है डी बी एम एस जो है वो मैक्सिमम लिमिट तक इसमें सपोर्ट करता है और देआर मैनी फीचर्स जिस जो कि अवेलेबल हैं मतलब डिवेलपर के लिए कि जिनको सवाल करते हैं वो इस कंसिस्टेंसी को मेनटेन करता है लेकिन माइंडेड

आपका डाटा जो है वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है मिसाल के तौर कि, आप कि, कि आपका जो कस्टमर है डाटा तो तो बेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें जो बैलेंस जो विड्रॉ रकम ड्रॉ करवाई है अपने अकाउंट से वो उसके बैलेंस से ज्यादा हो अगर आप कहते हैं कि हमने एक टीचर को प्रोफेसर तब बनाना है कि वो पीएचडी हो उसकी दस पब्लिकेशंस हो, उसका पंद्रह साल का तजर्बा हो तो फिर जब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो, तब भी आपका डाटा एक टीचर को सेंग एज प्रोफेसर ऐसा नहीं है कि रियल वर्ल्ड सिस्टम में तो एक टीचर को अच्छे भले पसीना जाते हैं प्रोफेसर बनते बनते लेकिन आपका सिस्टम जो है जो तो फ्रेश एमएससी आया है उसको कह रहा है प्रोफेसर वेल well, उस केस में आपका सिस्टम जो है इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग द रियल वर्ल्ड अदर इट इज जोकिंग विद द रियल वर्ल्ड आइए आगे चलते कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ द डाटा बेस मीन्स के डुप्लीकेट डाटा डज नॉट कंफ्लिक्ट और डाटा बेस प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड सिस्टम दैट इज फॉलोज द बिजनेस रूल्स ए ट्रांजेक्शन शुड ट्रांसफॉर्म द डाटा बेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट देखिए अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं स्टेट मीन्स द डाटा इन द डाटा बेस तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो डाटा बेस को इन जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है ज़ाहिर है कि हम इसको अगर पढ़ेंगे कि दे वुड बी पॉइंट वैन वी स दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड देर वुड बी पॉइंट वैन दिस इज द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन तो अब जो इसके स्टार्ट से पहले स्टेट होने चाहिए है दैट इज कंसिस्टेंट और जो इसके एंड के बाद स्टेट है दैट शुड बी ए कंसिस्टेंट स्टेट डिफरेंट हो या सेम हो बट द स्टार्टिंग द स्टेट इन विच द डेट ऑफ बेस वॉज एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड द स्टेट इन एट विच द डेट ऑफ बेस वज एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन कुड बी द सेम और द डिफरेंट लेकिन बात यह है कि वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए देखें कंसर्न ये नहीं है कि स्टेट है क्या कंसर्न ये नहीं है कि डाटा में स्टोर क्या क्या है पड़ा हुआ क्या क्या है देखा ना आपके अगर बैंक सिस्टम की बात करें तो ये कंसर्न नहीं है कि एक बंदे का जो बैलेंस है वो जीरो है या एक बंदे का बैलेंस वो मिलियंस में है हो हो, हो पड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता जब आज एक बंदे का बैलेंस जो है वो सौ था कल उसका दस लाख हो गया वेल इट डजेंट मैटर बट द थिंग इज वट एवर द स्टेट इट शुड बी कंसिस्टेंट स्टेट और उससे ये दो बातें हमारा कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ द डेटाबेस से क्या हरा है इसको आप क्लियर कर लीजिए क्योंकि जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है वो इसी के ऊपर बेस कर डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ये स्टार्ट है ये एंड है तो दरमियान में जो टाइम है जबकि ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उस दौरान आपका जो डाटा बेस है वो टेम्परेली इनकन्सिस्टेंट स्टेट में हो सकता है दिस इज पॉसिबल तो ज़हरा कि आपको उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ट्रांजेक्शन या तो शुरू से पहले चेक करेंगे या उसके एंड होने के बाद चेक करेंगे दरमियान में इट मे ये जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपकी ट्रांजेक्शन जो वो डेफिनेटली डेटाबेस को टेम्प्रेली इनकन्सिस्टेंट करेगी नो बट इट मे तो वो अगर है तो उसे फर्क नहीं पड़ता जब तक के वो एंड पे उसको कंसिस्टेंट ना कर दे जैसा कि हमें अभी डिस्कस किया है अपनी डिस्कशन में कि हर हाँ ट्रांजेक्शन बाउंड्रीज है बाउंड्रीज हम बात यह कि जहां पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है और जहां पे ट्रांजेक्शन एंड हो रही है इसका मतलब है कि ज डेफिनेटली पॉइंट कि आप जैसे कहेंगे ये ट्रांजेक्शन का स्टार्ट है तो नॉर्मली इसको हम बिगिन ट्रांजेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज दिगिन ऑफ द ट्रांजेक्शन जिससे स्टार्ट होता ट्रांजेक्शन और इसी तरीके से दुड बी अ पॉइंट कि जहां पर ट्रांजेक्शन एंड होगी यहां खत्म हो गई है अब ट्रांजेक्शन जो एंड होती है और बिगिन इज द सेम ठीक है स्टार्ट होगी लेकिन जो ट्रांजेक्शन का एंड है जो उसकी टर्मिनेशन है दैट वुड बी इन टू फॉर्म्स या तो हम कहेंगे कि ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट हो गई है या हम कहेंगे अबाउट हो गई है इन दोनों से क्या मुराद है आइए देखते हैं इट में कमिट और अबाउट इफ़ एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली यानी जो हमने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की है जो हमने ऑपरेशन किए हैं वो तमाम जो हैं वो सही हो गए हैं और हम चाहते हैं कि अभी एग्जीक्यूट हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि और वो होगा कि उसके बाद यानी कि जब वो सब तमाम ऑपरेशन हो गए और हम चाहते हैं ये मुकम्मल हो जाएं तो हम कहेंगे कि अब ये ट्रांज़ेक्शन जो है वो कमिट हो गई है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और हम ये कहेंगे कि इसमें यानी जो है ना वो इस डाटा बेस को एक नई कंसिस्टेंट स्टेट में लिया आया है तो अब इससे जाहिर मतलब ये होता है कि कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि ट्रांजेक्शन शुरू तो हो जाए लेकिन वो हम वो सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो ये इसलिए कि बाज़ दफ़ा जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होती है वो डिफरेंट कंडीशन में बेस कर रही होती है तो अगर एक ख़ास कंडीशन हो गई है तो आप कहेंगे कि भाई ठीक है इसका ट्रांजेक्शन कमिट कर दे लेकिन अगर वो नहीं हुई तो आप कहेंगे कि इसको अबॉट कर दो अबॉट से है कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो कम्प्लीट नहीं हुई इसको कैंसिल समझें तो अगर तो वो तमाम स्टेप्स जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए और वी वांट टू कंफर्म कि ठीक है ये ओके okay है तो हम कहेंगे कि दिस ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इफ़ अदरवाइज अगर हम चाहते हैं या अगर जो लॉजिक या सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए थी तो हम कहेंगे कि भई जो है ना वो इस ट्रांजैक्शन को अबाउट कर दो मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हमने कहा कि हम अपने कुछ कस्टमर्स को जो है वो देना चाहते हैं टेन परसेंट रेज देना चाहते हैं कोई हमारे कोई कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को टेन परसेंट रेज देना चाहती है लेकिन वो कहते हैं कि रेस जो है वो जो रेज की अमाउंट जो हम देना चाहते हैं वो या तो ट्वेंटी थाउजेंड से ज़्यादा हो या ट्वेंटी और थर्टी थाउजेंड के दरमियान हो अगर ट्वेंटी थाउजेंड से कम है तो भी नहीं देंगे अगर थर्टी थाउजेंड से ज़्यादा है तो भी नहीं देंगे तो अब आपने क्या करना शुरू किया कि आपने अपने डाटा बेस के अंदर आपने कस्टमर्स जो जिनको हमने देना था रेस उनकी जो अमाउंट कैलकुलेट करना शुरू की तो जब आपने सम कर लिया आपने और अब उनको रेस देना शुरू कर दिया लेकिन जब आपने सम कैलकुलेट किया तो पता चला कि वो तो ये हमने नहीं करना था क्योंकि वो तो या तो कम थी या तो ज़्यादा हो गई है तो आप कहेंगे कि इसको कैंसिल कर दो ट्रांजेक्शन को इसको हम दोबारा फिर कभी करेंगे तो उस केस में ये ट्रांजेक्शन जो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अबाउटेड कि उसको आपने कैंसिल कर दिया यू डू नॉट वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दैट या यू डू नॉट वॉन्ट टू कमिट दैट ट्रांजेक्शन तो उससे हम कहेंगे दिस ट्रांजेक्शन इज अबॉटेड और फिर यह है कि जब आप ट्रांजेक्शन को अबॉट कर दिया तो हम ये बात पहले कह चुके हैं कि ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होगी तो उससे पहले जाहिर है कि वो डेटाबेस आपका इट वॉज इन द कंसिस्टेंट स्टेट तो जो कमिटेड ट्रांजेक्शन आपकी दैट ब्रिंग्स द डेटाबेस बेस इन टू ए न्यू कंसिस्टेंट स्टेट लेकिन जो आपकी अबाउट ट्रांजेक्शन होगी इसका मतलब कि यू विल टेक योर डेटाबेस बेस इन टू द प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट जो कि इस ट्रांजेक्शन के स्टार्ट से पहले थी सच ट्रांजेक्शन इज रोल्ड बैक और अनडन ए कमिटेड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी अनडन कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन वंस यू हैव कमिटेड ए ट्रांजेक्शन आपने कहा कि ये ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, इसको ओके okay कर दें इसको डन कर दें आफ्टर दैट ये रोल बैक या अबॉट नहीं हो सकती हाँ यह जरूर है कि इफ यू हैव कमिटेड ए ट्रांजेक्शन एंड you have confirmed the like transaction should be committed and that has been committed means ke the changes that result as the that, that result from the operations of that transaction those changes has been transformed those changes has been has have been reflected in the database now they can they cannot be taken back but suppose you want to cancel that action stay although it has been committed mm -hmm. you execute and other transaction and the second transaction is defined in such a way that after executing, after committing the second transaction cancels, it negates the effects of the first transaction. So, we will say that the second transaction is a compensating transaction because it is compensating the effects of the first transaction. रेज दे दिया सबको टेन परसेंट कमिट हो गया ओह गलती हो गई आप कहते चलो जी वापस करो जो सारे अब वो तो हो चुका है वापस तो नहीं हो सकता तो आप क्या करें आप सबके उसमें से दोबारा टेन परसेंट माइनस कर लें तो होगा ये कि बेसिकली आपने दो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किए हैं लेकिन इफेक्ट क्या होगा कि ओवरऑल यह है कि जो जो आपका डाटा बेस है वो उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में के पहली ट्रांजेक्शन से पहले था तो माइंड इट जब आपने कमिट कर लिया एक ट्रांजेक्शन को तो वो रोल बैक नहीं हो सकती लेकिन वो कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन के जरिए कैंसिल हो सकती है बाउंड्रीज जैसे मैं भी बात की है कि उसका बिगिन होगा और एंड होगा टू डिफाइन द द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए ट्रांजेक्शन जनरली इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर जो बंदा ट्रांजेक्शन लिख रहा है वो बताएगा गया कि ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट है एंड और अगर वो ऐसा नहीं करता अदरवाइज फिर क्या करना है वेल इट वेरीज फ्रॉम डी बी एम एस टू डी बी एम एस तो वो बाज जो है वो पूरे सेशन को या पूरे प्रोग्राम को जो रन हो रहा है उसको कंसिडर कर लेते हैं एज ए ट्रांजेक्शन बाज जो है वो हर स्टेटमेंट को या हर ऑपरेशन को दे कंसिडर एज एन एज ए ट्रांजेक्शन वेल दिस वेरीज के वो क्या करते हैं अदरवाइज अगर आपने यानी मैंने आपसे कहा ना कि या तो आप बताएं खुद से नहीं तो वेल इट डिपेंड्स अपॉन द डी एम एस पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि वो तमाम सेशन को या पूरे प्रोग्राम को एक ट्रांजेक्शन कंसिडर कर लें या वो हर ऑपरेशन को इंडिविजुअली एक ट्रांजेक्शन कंसिडर कर लें एसिड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजेक्शन ये बहुत मशहूर हैं और जब भी आप ट्रांज़ेक्शन मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें आप को लाजमी तौर पर जो एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं उनका उसमें मैंशन होता है तो मशहूर हैं ये आपको आनी चाहिए तो एसिड बेसिकली ये फोर लेटर्स जो हैं ये चार प्रॉपर्टीज मेंशन uh, करते हैं इनमें से पहला जो है वो ऑटोमिसिटी है ऑटोमिसिटी से मुराद है कि ऑल और नन मींस के ट्रांजैक्शन जो है वो अगर एग्जीक्यूट होगी तो पूरी की पूरी होगी या बिल्कुल नहीं होगी देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली एग्जीक्यूटिंग ए ट्रांजेक्शन नो वाई बिकॉज मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द

क्योंकि हमने कहा ना कि एक ट्रांजेक्शन जो है उसमें एक ऑपरेशन भी हो सकता है और मल्टीपल ऑपरेशन भी हो सकते हैं और जनरली ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑपरेशन तो जितने भी उसमें ऑपरेशन हैं दो तीन चार दस पंद्रह बीस सौ इतने भी हैं या तो वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे या वो बिल्कुल नहीं होंगे इसका मतलब ये है कि आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी दरमियान में पहुंच के इफ सम तो आपने जब दोबारा आप उसको ऑन करेंगे या तो फिर इसके बाकी सारे ऑपरेशन भी करें या जितने हो चुके हैं उनको भी कैंसिल करें क्योंकि ये बात पक्की है कि ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के स्टार्ट पे डाटा बेस कंसिस्टेंट स्टेट में था और ट्रांजेक्शन को ट्रांसफॉर्म करेगी इसको एक नई कंसिस्टेंट स्टेट में तो दरमियान के दर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी दर इज नो गारंटी इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांजेक्शन इज ऑल और नन थिंग ऐसा नहीं हो सकता कि वो पार्टली एग्जीक्यूटिव दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कंसिस्टेंसी दैट स्टैंड फॉर सी तो सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी तो उसमें यही है कि वो जो ट्रांजेक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा बेस इट एट द एंड ऑफ़ ट्रांजेक्शन इट द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा बेस और थर्ड इज आई आइसोलेशन आइसोलेशन से मुराद ये है कि अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो हैं वो एट द सेम टाइम एक्जीक्यूट हो रही हैं और किसी भी डाटा बेस में जो आपके जितने भी आजकल के डी एम एस हैं वो दे सपोर्ट मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम जब मल्टीपल यूजर्स हैं तो ऑब्वियसली हर यूजर जो है इट इज़ एक्सेसिंग द डाटा बेस एंड परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज सम ट्रांजेक्शन ऑन द डाटा बेस तो अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन्ज एग्जीक्यूट हो रही हैं ऐट द सेम टाइम तो आइसोलेशन का मतलब यह है कि आपकी एक ट्रांजेक्शन जो है वो इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द अदर ट्रांजेक्शंस तो इसको एक ऐसी इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए एक ऐसी इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट हो एज इफ इट इज एक्जीक्यूटिंग इन आइसोलेशन जैसे ये अकेली ही एग्जीक्यूट हो रही है बाकी जितनी ट्रांजेक्शन हैं वो जैसे हैं ही नहीं इसको हम अचीव कैसे करते हैं दैट विल स्टडी लेकिन भारत आइसोलेशन का मतलब यह है कि एज इस ट्रांजेक्शन इज एक्टिंग इज एक्जीक्यूटिंग इन आइसोलेशन लोन और डी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी का मतलब यह है कि जो ट्रांजेक्शन ने चेंजस या जो ट्रांजेक्शन ने ऑपरेशन कर दिए वंस द ट्रांजेक्शन इज कमिटेड तो फिर वो जो एक्शन हैं वो जो चेंजेस हैं दे मस्ट बी रिफ्लेक्टेड परमानेंटली इन द डाटा बेस तो जो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है दैट शुड बी ड्यूरेबल दैट शुड बी परमानेंट तो दिट इज दिस इज वॉट इज मैंट बाय द ड्यूरेबिलिटी तो चार प्रॉपर्टीज हैं ऑटोमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन ड्यूरेबिलिटी एसिड प्रॉपर्टीज ऑटोमिसिटी ऑलन कंसिस्टेंसी मेंटेन्स कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस आइसोलेशन ट्रांजेक्शन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अदर ट्रांजेक्शंस और ड्यूरेबिलिटी है चेंजेज बाय ट्रांजेक्शन आर परमेंट वेन एवर यू अपडेट द डाटा बेस अपडेट से मुराद है कि अपडेट नॉर्मली दो इसमें सिचुएशन मुराद हैं एक तो यह कि जब आप किसी फील्ड की वैल्यू या किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करते हैं या दूसरी बात चाहिए जब आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो इसमें मुरादी है कि आपका जो डाटा बेस है उसमें डेटा चेंज हो रहा है लेकिन स्पेसिफिकली इसमें मुराद है कि जब आप किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी रिकॉर्ड के अंदर एक या मल्टीपल एटीब्यूट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो जो चेंज है पहले वो रैम में होती है बफर जो के कि ज़ाहिर इसका आपको अंदाज़ा होगा कि जो डिस्क से आईओ आपका हो रहा है इनपुट आउटपुट हो रहा है दैट इज़ थ्रू ए बफर ए स्पेस इन द मेमोरी ए रैम जिसमें डाटा पहले आ रहा है और उसके बाद आपको शो हो रहा है या वहाँ से डिस्क पर जा रहा है तो इसके एक बात मतलब इससे मात यह है कि पहले जो आप चेंज करते हैं किसी अब एट्रीब्यूट चेंज करते हैं तो वो चेंज पहले होगी रैम में और वहां से जाएगी वो फिर डिस्क में किसी वक्त देर मे बी डिले बिटवीन द टू जिस वक्त आपने बफर में डाटा को चेंज कर दिया हुआ और आपने जब मूव करना है इसको बफर से डिस्क में ड्यू टू डिफरेंट रीजन जिसका कि अभी आपको कुछ देर में अंदाजा हो जाएगा उसकी वजह से देर माइट बी डिले बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज इफ ए करैश अकर्स ड्यूरिंग दिस डिले देन द डाटा बेस इज इन द इनकंसिस्टेंट स्टेट यानी आपने ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट डिक्लेयर हो चुकी हुई है और फर्ज करें कि जिस यूजर ने वो ट्रांजेक्शन सबमिट की हुई है आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि कमिट हो चुका हुआ लेकिन अंडरलाइन हो ये रहा है कि पहले आप वो उसको बफर में अपडेट कर चुके हुए अभी वो डिस्क पर नहीं गया डिस्क पे चीज़ें भेजने के सर्टन रूल्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आपके डिस्क मैनेजमेंट है उसके अपने रूल्स हैं वो किसी अप्रोप्रियट टाइम पे वो मूवमेंट हो रही थी क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहे होते हैं तो वो इसलिए वो डिस्क पे जो आइयो है वो बाज़र थोड़ा डिले कर लेते हैं तो ट्रांजेक्शन कमिट हो चुकी है बफर बफर हैज़बिन अपडेटेड लेकिन अभी डिस्क पे नहीं गया था कि सिस्टम क्रैश हो गया अब इस वक्त जो आपका डेटाबेस है वो एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में है क्योंकि वो जो उसकी स्टेट होनी चाहिए थी जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हमने एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसे निकाले और उसी बैंक के एक और अकाउंट होल्डर के अकाउंट में मूव कर दिए फ़र्ज़ करें कि आपने एक अकाउंट से पैसे निकाले बफर में आ गए माइनस किए वहाँ पर अपडेट कर दिए दूसरे के अकाउंट में बफर में ऐड कर दिए अभी बफर से दूसरे अकाउंट में मूव होने थे कि सिस्टम क्रैश हो गया अब आपके जो आपके ट्रांजेक्शन है बेसिकली वो उसकी ऑटोमसिटी जो है वो सब डिस्टर्ब हो चुकी हुई है बिकॉज नाव दिस ट्रांजेक्शन हैज़ बिन एक्सीक्यूटेड पार्टली तो आपका इनक स्टेटमेंट ऑडोमस हो गया ऑन री जब आप दोबारा सिस्टम को ऑन करेंगे डी बी एम एस हैज़ टू आइडेंटिफाई इट उसको ये पता चलना पड़ेगा वो इसको आइडेंटिफाई करेगा कि प्रीवियसली डेटाबेस जो था वो एक ट्रांजैक्शन एक्सीक्यूट हो रही थी कंप्लीट नहीं हुई थी तो इट वाज टर्मिनेटेड एंड रिकवर डाटा इनटू ए कंसिस्टेंट स्टेट तो कंसिस्टेंट स्टेट में कैसे आएगा कि या तो इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर दें तो इसके रिमेनिंग एक्टिविटीज्यूट नहीं हो सकी उनको कंप्लीट कर लें या फिर यह कि जो हो चुकी हैं उनको कैंसिल कर दें इन बोस्ट द केसेज योर बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा दैट वुड बी फुलफिल्ड तो आप इनमें से कोई भी कर लें That इज़ फाइन Reasons ऑफ failures बहुत सारी हो सकती हैं जैसे तो है कि नेचुरल डिजास्टर है इस पर किसी का जरा कंट्रोल नहीं है सहबोट आज कोई बंदा जानबूझे गड़बड़ करता है गड़बड़ करने वालों की भी अपनी नेचर होती है बाज दफ़ा उनको खुद भी नहीं पता तो गड़बड़ क्यों कर रहे हैं लेकिन कर रहे होते हैं बहरहाल ये भी एक रीज़न होती है जैसे हम बज दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है कि खास तौर पे ये कंप्यूटर सेंटर्स में ऐसे होता है मतलब मैंने बाद जगहों पे देखा है कि वो एक जो माउस की बॉल वो निकाल लेंगे करना ऐसा क्या है कुछ नहीं करना बाहर निकल के फेंक देंगे लेकिन वो माउस की बॉल निकाल ली है कोई बंदा होगा कि वो एक रैम उतार ली चाहे बाद में वही कहीं रख दी लेकिन वहाँ पैनिक फैला दिया ओह किसी ने चोरी कर ली तो सबोटाज जो कहने का मतलब है कि ये दिस थिंग्स हैपन केयरलेसनेस ये भी अनफॉर्चुनेटली होती है बट आई वुड रिकमेंड यू के एज ए प्रोफेशनल दिस इज के जो एक अच्छे प्रोफेशनल में नहीं होती यानी जो आपको काम दिया जाए आप उसको पूरी कोशिश के साथ पूरी ईमानदारी के साथ करें कोई आपको देख रहा या नहीं देख रहा ये आपकी अपनी शान है आपका अपना ऑनर है कि जो काम आपको दिया जाए वैसे तो रियल लाइफ में या अब भी जब आप लाइफ में लेकिन स्पेशली इन योर प्रोफेशन वहाँ पे आपकी वर्थ बनेगी अभी आपने अपना हो सकता है करियर स्टार्ट ना किया हो अब ये मेरा आपको एडवाइस है कि आप जो काम आपको दिया जाए ना पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी एफर्ट के साथ सो करें अल्टीमेटली इट विल पे अल्टीमेटली चाहे आपको उसमें नज़र आ रहा हो कोई देख ही नहीं रहा हो दाद नहीं दे रहा जब काम मैं कर रहा हूँ दाद वो ले रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका जो इम्प्रेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक प्रोफेशनल फील्ड में वो आपकी आदतों से आपके काम से बनता है तो आग आपको अगर ऑनेस्ट काम का फॉरन रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा तो कुछ हर से बाद लाजमी मिलेगा और वो बेशक यही हो कि आपका ये इंप्रेशन इस्टेब्लिश हो जाए कि दिस इज़ एन ऑनेस्ट वर्कर तो ये भी अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है चलाकी आपको अगर फ़ायदा दे भी दे लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि चलाका चक्कर चलाता है अल्टीमेटली यू वुड बी नोन एज अ चक्कर बास तो ज़ाहिर है कि वो कोई अच्छी बात नहीं है डिस अगेन दिस इज़ समथिंग दैट मे हैपन और ख़ासतौर पर जब uh, डिस्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो इट मे हैपन यस सॉफ्टवेयर में एरर आ सकते हैं चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है चाहे आपका अपना सॉफ्टवेयर उसमें एरर आ सकते हैं और इन तमाम जो सिचुएशन हैं बेसिकली उसको ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि आपने जो आपका जो सिस्टम था जो आपका डाटा था वो एक रूटीन के तहत एक जो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो वो शट डाउन नहीं हुआ वो क्लोज नहीं हुआ क्योंकि जब आप डी को डाउन करते हैं या डाटा को क्लोज करते हैं दे आर सर्टन एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्मड और है कि उसमें वो तमाम ऐसे स्टेप्स शामिल हैं दैट टेक अस टूवर्ड इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा तो अगर वो आपके इन तमाम केसेज में यही काम हो रहा है कि वो आपका काम जो है ना वो एक एक अब्रप्ट किस्म का स्टॉप गया कि रूटीन स्टॉप नहीं हुआ तो दैट रिफ्लेक्ट्स ए फेलियर ए क्रैश रिकवरी टेक्निक्स जिन जिस सिचुएशन को इन पर्टिकुलर दैट आर द टारगेट ऑफ द डाटा रिकवरी मैकेनिज्म वो यही सिचुएशन है कि सिस्टम क्रैश हो गया बफर जो आपके हैं जो कि इसमें हैं रैम में है डेफिनेटली वो लॉस हो गए वो मतलब ख़त्म हो गए जाहिर है कि जब सिस्टम एकदम आपका ऑफ हो गया लेकिन जो डिस्क कॉपी है आपकी जो मतलब डिस्क पर डाटाबेस पड़ा वो सेफ़ है क्योंकि अगर आपका डिस्क आपकी करप्ट हो जाती है दैन दैट इज़ अदर इशू उस केस में तो यह है कि आपने जो बैकअप है आपका आपने उसको एक्टिवेट करना है तो बैकअप एक और इशू है यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपका एब्रप्टली आपका सिस्टम डाउन हो गया बंद हो गया बफर्ज आपके जो कि अभी मूव होने थे तो वो अभी लॉस्ट हो गए है कि पावर ऑफ हो गई सिस्टम ऑफ हो गया लेकिन जो आपकी डिस्क पे डाटा बेस था वो मौजूद है लेकिन चूंकि आप प्रॉपर शट डाउन नहीं हुआ प्रॉपरली बफर्स बौफर मूव नहीं हुए तो योर डाटा बेस इज इन द इनक स्टेट तो जो रिकवरी मैकेनिज्म है ये इन पर्टिकुलर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होता है नीड टू डिटर्मिन द ट्रांजेक्शन दैट नीड टू बी रिडन और अनडन अब जब आपने दोबारा उसको आप किया है उसके बाद यू हैव टू तो आइडेंटिफाई दोज ट्रांजेक्शन जिनको या तो आप दोबारा करेंगे या जिनको आप अन करेंगे लॉग फाइल एक वो आप कह सकते हैं टूल है ऑब्वियसली एक फाइल है जिसको के इस्तेमाल किया जाता है रिकवरी के अंदर डेटाबेस रिकवरी के अंदर तो इसका बेसिकली आइडिया यही है कि आप जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं डेटाबेस के ऊपर आप उनकी एक प्रॉपर फाइल मेंटेन करें उसका लॉग मेंटेन करें तो जिस वक्त आप यानी आप डाटा बेस ऑपरेशन के लिए लॉग फाइल को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रखें तो लॉग फाइल जो वो आपको हेल्प करेगी अल्टीमेटली आइडेंटिफाई करने में कि प्रीवियसली देर हैज़ बिन ए क्रैश और लॉग फाइल से ही जो एंट्रीज होंगी दे विल हेल्प यू टू रिकवर द डाटा बेस इसमें एक और चीज़ मतलब चूँकि अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं रिकवरी टेक्निक्स से एक और बात भी मैं यहाँ को बताता चलूँ कि जैसे हमारे पास डाटा का जो हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस है वो डिस्क पे स्टोर है और बफर रैम में उसका बफर है कि जिसके थ्रू आप इनपुट आउटपुट कर रहे हैं इसी तरह से लॉग फाइल का भी अपना एक प्रॉपर फाइल है जो कि डिस्क के ऊपर है और साथ ही लॉग फाइल का अपना बफर भी है तो जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल फाइल के अंदर पहले आपकी बफर में एंट्रीज होती है और वहां से मूव करती हैं डिस्क पे लाइक जो आपकी लॉग फाइल है उसमें भी हर फाइल की तरह पहले आपकी एंट्रीज आपकी लॉग उसमें होंगी बफर में रैम में और फिर किसी स्टेज पे ये मूव होंगी टुवर्ड्स द लॉग फाइल डिस्क पे अब जो लॉग फाइल में एंट्रीज हैं वो इस तरह से हैं कि आप एक मेंशन करते हैं कि टी स्टार्ट एक बात में रखिएगा कि ये जो यहाँ पे आपको यानी इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये इस वेरी सिंप्लीफाइड और ये आपको बेसिक आइडिया देने के लिए तौर पर जैसे हम लॉग फाइल की बात ही कर रहे हैं तो जो प्रैक्टिकली डी बी एम एस में लॉग फाइल्स में एंट्रीज होती हैं दे मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस मिसाक तौर पर उसमें डिफरेंट तरह के पॉइंटर्स होते हैं और इस तरह से ट्रांजेक्शन्स uh, uh, का आई होता है और ऑपरेशन uh, uh, का आईडी होता है लेकिन यहां पे आपको बेसिक आइडिया दिखाया जा रहा है ताकि जिसे आपको समझ आ जाए कि बेसिक आइडिया क्या है जो प्रॉपर uh, अगर, अगर आपने लॉग फाइल देखनी तो फिर आप पर्टिकुलर टूल को देखिए कि जिसमें कि वो आपका आप इस्तेमाल करें तो टी से यहाँ जो यहाँ पर जो टी लिखा हुआ है इससे मुराद है उस ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी जो भी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे टी है तो जो चाहे उसको आप ट्रांजेक्शन को, को आई डी दे दें या उसको कोई नाम दे दें वॉट तो वो यहाँ पे वो आएगा जिससे कि यू वुड आइडेंटिफाई के दिस इज द ट्रांजेक्शन एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन उसके बाद लॉक फाइल में जो एक और एंट्री हो सकती है दैट वुड बी द एंट्री रिगार्डिंग द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन और ऑब्वियसली या तो वो अ, कमिट होगी या वो अबाउट होगी डिपेंड्स इसके अलावा इन दो के इन दो एंट्रीज के अलावा देर वुड बी एंट्री उससे हमने यहां पर डाटा एंट्रीज का हुआ है और बेसिकली वो एंट्रीज वो होंगी दैट वुड बी इन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन दैट योर परफॉर्मिंग ऑन द डाटा बेस विद इन योर ट्रांजेक्शन तो ये तो हो गई पक्की इसके अलावा और एंट्रीज होंगी जिनके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वी हैव जस्ट स्टडीड दैट

ऑपरेशन ऑफ द कंसर्न ऑफ द डी बी एम एस आर दोज दैट आर रिलेटेड टू द डेटा बेस यानी अगर आप एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ एड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज समिंग दैट इज हैपनिंग इन रैम तो डी बी एम एस का एस सच उससे कोई ताल्लुक नहीं है डेटाबेस की कंसिस्टेंसी से उसका एस सच कोई ताल्लुक नहीं है अनलेस इट इफेक्ट द डाटा बेस द डाटा इन द डाटा बेस तो इसका मतलब यह है कि इस बात का मतलब ये है कि जो आपके पास ट्रांजेक्शन uh, में हर तरह का ऑपरेशन हो सकता है दैट यू कैन परफॉर्म थ्रू ए स्टेटमेंट इन एनी लैंगवेज बट देशन ऑफ द कंसर्न ऑफ द डी बी एम एस और द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट आर दोज दैट आर रिलेटेड टू द डाटा इन द डाटा बेस और मेनली वो दो ऑपरेशन हैं कौन सा रीड और राइट क्योंकि तो या तो डाटा वहां से रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं अब राइट जो है वो चाहे आप इंसर्ट कर रहे हैं नया रिकॉर्ड चाहे किसी को आप डिलीट कर रहे हैं वो भी एक इज फॉर्म ऑफ राइट तो चाहे किसी को आप अपडेट कर रहे हैं तो जो आप कहें डी बी एम एस के कंसर्न का जो स्टेटमेंट है वो वही है जो कि डाटा बेस से कंसर्न करते हैं और इसी तरह से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का भी और इसको अगर फर्दर नैरो डाउन करें तो द थिंग दैट कुड डिस्टर्ब द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा बेस दैट इज द राइट स्टेटमेंट बिकॉज इन केस ऑफ रीड स्टेटमेंट यू आर नॉट इफेक्टिंग द स्टेट ऑफ द डाटा बेस यह हो सकता है कि जो वैल्यू आपने रीड की है उसके बेसिस पे आपको ऐसे स्टेप्स करें कि जो कि अल्टीमेटली आप राइट करेंगे दैट इज अनदर थिंग बट द रीड स्टेटमेंट बाय इट सेल्फ इट इज़ नॉट चेंजिंग इट इज़ नॉट मेकिंग एनी चेंज ऑन दफ द डाटा बेस तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको फर्दर एलो डाउन करें तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की जो कंसर्न का ऑपरेशन है दैट इज़ ओनली दाइट राइट ऑपरेशन इसका मतलब यह है कि ट्रांजे जो आपकी लॉग फाइल है उसमें वो जो दो हमने रिकॉर्ड्स कह दिए थे कि स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है उसके अलावा जो एंट्रीज होंगी

फिर जब उसने किया एक्सू टू एक्स प्लस फाइव अगेन समथिंग दैट इज बीइंग परफॉर्म इन द रैम बाय द प्रोसेसर नो ऑपरेशन नो एंट्री इन द लॉक फाइल बट व्हेन यू एनकाउंटर द राइट स्टेटमेंट दिस इज समथिंग दैट कैन इफेक्ट द स्टेट ऑफ द डाटा बेस सो डेफिनेटली इट रिलेट्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा बेस सो यू वुड मेक एन एंट्री इन द लॉक फाइल अगेंस्ट दिस राइट स्टेटमेंट सो क्या होगा कि एक फॉर्म की एंट्री जो कि आपके पास लॉग फाइल में वो क्या है टी रिप्रेज़ेंटिंग द ट्रांजेक्शन एक्स द पर्टिकुलर वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू अपडेट हो रही है एंड द न्यू वैल्यू जो कि इस ऑपरेशन के नतीजे में उसकी नई वैल्यू होने जा रही है वो इसी तरह से जब आपने कहा वाइस वाइस इज टू फिफ्टीन पहले आपने रीड किया था वो रीड यहाँ पे मिस कर गया हूँ फिर आपने कहा राइट वाई सो इफ वाई वाज टेन नाव इट इज़ गोइंग टू बी थर्टी तो जो इसकी नई वैल्यू है अगेन यू आर सींग दियर और आखिर में है टी कमिट यानी यहाँ पर टी जो वो कमिट हो गया आज के लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं आज के लेक्चर में वी हैव स्टार्टिड दी टॉपिक ऑफ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट और इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दो इम्पॉर्टेंट बातें जो कि जब आपने कहा कि हमने डेटा बेस का कोर्स पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको एडवांस टॉपिक्स में से ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए वाट इज मैंड बाय द ट्रांजेक्शन एक एंड सेकेंडली वट इज़ मैंड बाय द कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ द डाटा ये दो बातें आपको हर हाल में पता होनी चाहिए अगर आपको ये बातें नहीं पता इसका मतलब है कि या तो आपने कोर्स सही पढ़ा नहीं है या मैंने सही पढ़ाया नहीं है क्योंकि मैंने, मैंने सही पढ़ाया इसका मतलब फिर दूसरा ही है और फिर ये है कि दूसरी बात एक बात यह कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो है वो ये है कि आप डाटा की रिकवरी और जो कंक्रंट एक्सेस है उसको मैनेज करना तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड दी डेटा बेस रिकवरी इसको हम इनशाला अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़